दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। कैसे उत्तर प्रदेश की वजह से हिल गई मोदी की सत्ता। दोस्तों किसी ने खूब ही कहा है कि दिल्ली में भले ही सरकार बैठती है लेकिन सरकार कौन सी बैठेगी, किसके हाथ में सत्ता होगी, इसका निर्णय उत्तर प्रदेश के हाथों में होता है। इस बार भी उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान हुआ और हर बार की तरह इस बार भी लोगों ने बढ़ चढ़कर इलेक्शन में हिस्सा लिया। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश ने जो कारनामा कर दिखाया है उसने पूरे देश को हैरान करके रख दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे ने दिखा दिया कि अगर लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का साथ नहीं तो बहुमत भी नहीं मिलेगा। तभी तो भाजपा के लिए हर एक कदम मुश्किल हो गया था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों और कैसे उत्तर प्रदेश की वजह से हिल गई मोदी की सत्ता, आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने ही तो आया हूं। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाना दोस्तों। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को बुरे तरीके से लतेड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बहुमत तो दूर की बात है, पार्टी तो अपने पुरानी सीटें भी नहीं बचा पाई। सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने बहुत बड़ा मुकाबला किया और बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी से उत्तर प्रदेश को ही छीन लिया। दोस्तों बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जो बड़ा झटका मिला उसका सबसे बड़ा कारण था कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, जिसमें भाजपा ने बहुत सारी गलतियां की, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि हर जगह हमारा ही बोलबाला है, कैंडिडेट्स चाहे कोई भी खड़ा कर दें हम जीतने वाले हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया वहां से 3 बार के सांसद रहे बीजेपी के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। अब आप इसे सपा की समझदारी कहिए या फिर भाजपा की नादानी, लेकिन वाकई में अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा दिमाग खेला। असल में अवधेश प्रसाद दलित हैं और उन्हें फैजाबाद से सामान्य सीट पर टिकट दिया गया और वो जीत भी गए। मंगलवार को जब काउंटिंग शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल अलग तेवर में दिखा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा लगा रहे थे वहीं उत्तर प्रदेश के नतीजे ने पूरी बाजी पलट दी। असल में दोस्तों 2024 के इलेक्शन महाकुंभ में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मात्र 33 सीटों पर ही विजय प्राप्त की, वहीं इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत हासिल की और यही वजह कि भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई। असल में दोस्तों 543 सीटों वाली लोकसभा में बीजेपी को मेजोरिटी के लिए 272 सीटें चाहिए थी, लेकिन बीजेपी इस बार सिर्फ 240 सीटों पर ही सिमट गई। पिछले लोकसभा में बीजेपी को 303 सीटों पर जीत मिली थी, इस बार समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और कांग्रेस ने 17 सीटों पर, जहां समाजवादी पार्टी 62 में से 37 सीटें जीती वही कांग्रेस को 17 में से 6 सीटों पर जीत मिली। दोस्तों 2019 के चुनाव में बीजेपी को यूपी में 62 सीटें मिली थी, बहुजन समाजवादी पार्टी को 10 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें हासिल हुई थी, वही कांग्रेस को सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिली थी। दोस्तों इस साल के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसके पीछे और भी कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। असल में बीजेपी सरकार ने लोकल लोगों के गुस्से और उनकी मांगों को साइडलाइन करते हुए ऐसे लोगों को टिकट दिए जो वोटर्स को ज्यादा पसंद ही नहीं आए। ऐसे में बहुत सारे वोट जो भाजपा के खाते में आने वाले थे उन्होंने नाराजगी में सपा को एक बेहतर विकल्प समझा और उन्हें वोट दे दिया। और ये सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स का भी कहना है, यहां तक कि आम जनता भी ये कह रही है कि उनके लिए जो उम्मीदवार चुने गए थे वो सही नहीं थे इसलिए उन्होंने मन मुताबिक काम नहीं किया।
जिसके परिणाम वोटों के रूप में आप देख सकते हैं कि कैसे भाजपा को मिलने वाले वोटों में पिछली बार के मुकाबले काफी भारी गिरावट देखने को मिली। 2019 में भाजपा को तकरीबन 50% वोट मिले थे, वहीं इस बार सिर्फ 42% वोट ही मिले, यानी कि वोटिंग परसेंटेज में भाजपा को 8% की गिरावट देखने को मिली। और इतना ही नहीं, सपा ने भी पूरा दिमाग लगाया और उत्तर प्रदेश के सोशल स्टेटस को देखते हुए अपने सारे कैंडिडेट्स को ग्राउंड पर उतारा। और सपा पर हमेशा ये आरोप लगे हैं कि वो सिर्फ एक विशेष जाति और समुदाय के लोगों को ही टिकट देते हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने पूरी बाजी पलट दी और जातिगत समीकरणों को देखते हुए कैंडिडेट्स को मौका दिया गया। क्योंकि अखिलेश यादव को ये बात अच्छे से मालूम थी कि अगर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है तो जातीय समीकरण बैठाना होगा, तभी तो उनके कैंडिडेट्स भाजपा को टक्कर देते नजर आए। मेरठ, धौसी, मिर्जापुर जैसे मजबूत सीटें इसका उदाहरण है। वैसे दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में संविधान बदलने वाली बात भी काफी भारी पड़ गई। जी हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही मोदी जी ने 400 पार का नारा लगाया, भाजपा के कुछ नेता ये दावा करने लगे कि 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदला जा सके। और उसी के बाद से कांग्रेस और सपा ने इस चीज को आरक्षण से जोड़कर लोगों के दिमाग में ये बात अच्छी तरह से फिट कर दी कि अगर भाजपा सरकार आ गई तो आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और ये बात दलित समुदाय के लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि अगर आरक्षण हट जाएगा तो उन्हें भी बाकी लोगों की तरह कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ऐसी बात के डर से उत्तर प्रदेश की जनता ने सोचा कि संविधान में बदलाव आए और मोदी जी हमारा हुक्का पानी बंद कर दें, उससे अच्छा तो हम विपक्ष दल को एक बार फिर से मौका दे दें। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि कैसे जिन सीटों पर कभी बीजेपी सरकार बैठी थी, आज उन्हीं सीटों पर अखिलेश यादव की सपा के नामी गिरामी चेहरे बैठे हुए हैं। इन सब के अलावा दोस्तों, देश के नौजवानों को भी भाजपा सरकार से बहुत बड़ी दिक्कत थी, और वो थी नौकरी और पेपर लीक। भाजपा सरकार पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वे नौकरी नहीं दे पा रहे, और पिछले 6 सालों में जिस नौकरी और विकास के लिए देश के युवाओं ने योगी आदित्यनाथ को अपना नेता चुना था, वो नौकरियां कहीं भी नजर ही नहीं आ रही। उल्टा आए दिन पेपर लीक होने की खबरें सामने आती है, जिसकी वजह से कई बार एग्जामिनेशन रद्द भी हुए। युवाओं में ये बहुत बड़ा मुद्दा था, इसी वजह से बहुत बड़ी संख्या में देश के युवा भाजपा सरकार से काफी नाराज दिखे, और वोटों की गिनती में भी ये बात सामने नजर आने लगी। और उत्तर प्रदेश के युवा तो पहले से ही अग्निवीर स्कीम को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है कि मंदिर मस्जिद लाख बन जाएंगे, लेकिन जब हमारे हाथ में नौकरी नहीं होगी तो हम अपने घर को कैसे चलाएंगे भाई। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की पूरी सत्ता हिल गई, वरना नतीजे कुछ और ही देखने को मिलते। बाकी आपके वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और उत्तर प्रदेश में भाजपा की इस भारी शिकस्त के बारे में आप क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।